सेक्सलेस मैरिज किसको कहते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। जो मैरिज में मतलब पति पत्नी है, घर में रह रहे हैं, दोनों फिट है, और ये होने के बावजूद भी यदि वो सेक्स नहीं करते हैं तो उसको सेक्सलेस मैरिज बोलते हैं। तो फिर कितना नहीं करते, मतलब कितना सेक्स करना चाहिए या कितना हो गया तो फिर हम उसको नहीं बोलेंगे या बोलेंगे? तो डेफिनेशन ऐसी बोली जाती है कि भाई आप एक साल में 10 बार सेक्स करते हैं और 10 से कम करते हैं, 10 बार से कम करते हैं तो वो सेक्सलेस मैरिज है, ऐसे डेफिनेशन कहते हैं। आंकड़े अलग है, मतलब रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि अमेरिका में 26% ऑफ अमेरिकन्स, 26% अमेरिकन ने पिछले 12 महीने में सेक्स नहीं किया है। और वैसे ही 12% कपल्स को पूछा गया, हस्बैंड वाइफ को पूछा गया, तो 12% कपल्स ने पिछले 3 महीनों में सेक्स नहीं किया है। 6 में से 1 पुरुष और 4 में से 1 स्त्री, इन्होंने पिछले साल में सेक्स नहीं किया हुआ है। तो ये आंकड़े हैं। यूजुअली क्या है, यूजुअली लोग 1 से वीक करते हैं। इसका मतलब ऐसा हो गया 4 हफ्ते 1 महीने, मतलब 4 बार, और 4 बार 1 करते हैं, 4 बार हर महीने में करते हैं, तो साल में 48 बार हो गया। मगर एवरेज ऐसा पाया गया है कि टोटल यदि आप करते हैं तो 80 टाइम्स इन ए ईयर, मतलब एक साल में 80 बार ये लोगों का एवरेज है सेक्स करने का। तो फिर सेक्सलेस मैरिज है क्यों? एक तो ऐसा है कि सेक्स करने में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लिबिडो दोनों का कम है, मतलब सेक्स की इच्छा जो है वो दोनों की कम है, इसलिए फिर उनको इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ, हो गया ना, बच्चे भी 1-2 बच्चे हो गए, ठीक है, आज क्या थका हुआ है इसलिए सेक्स नहीं, आज क्या टाइम नहीं है इसलिए सेक्स नहीं, ऐसा कुछ भी कारण है कि कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये कारण हो सकता है। नंबर 2 हो सकता है कि स्ट्रेस है, बहुत तान तनाव है, और तान होने के कारण, मतलब तनाव है और तनाव के कारण फिर उनको सेक्स की इच्छा ही होती नहीं है, बहुत बिजी है, IT कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत टारगेट्स है, और फिर उसमें सेक्स की इच्छा होती नहीं है। तीसरा कारण जो है वो है कि घर में बच्चे हैं, प्राइवेसी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के 4 साल के, डर लगता है कि वो उठ जाएंगे, बच्चों को सोचते सोचते बहुत टाइम हो जाता है, फिर लोग सेक्स करते ही नहीं है, या करेंगे तो फिर मतलब बहुत ही इनफ्रिक्वेंटली होगा और वो सेक्सलेस मैरिज कहा जाता है। चौथा जो है वो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा प्रमाण है, 4 में से 1 व्यक्ति आज एंग्जाइटी या डिप्रेशन से ग्रसित है, लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, और जब आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है तो सेक्स की इच्छा ही होंगी नहीं। 5वां जो कारण है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के रहते हुए इतने डिस्ट्रैक्शन है, दोनों अपने अपने फेसबुक में, दोनों अपने अपने व्हाट्सएप में बिजी है, और रात का समय लोगों को मिलता है, रात को 12, 1, 2 बजे तक बस बिजी है, और उसमें लोग 4-4 घंटे एवरेज में सोशल मीडिया में गमाते हैं, और फिर वो मैरिज सेक्सलेस मैरिज होता है क्योंकि उनको सेक्स करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। 6वां जो कारण होता है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि दोनों का कम्युनिकेशन ही नहीं है, मतलब बातचीत नहीं करते, एक रूप में रह रहे, एक रूप के अंडर, एक छत के नीचे रह रहे, मगर कम्युनिकेशन नहीं है, बस है करके रह रहे साथ में, और कुछ ना कुछ मतलब रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और उसमें सेक्स होता ही नहीं है, तो ये सेक्सलेस मैरिज कहा जाता है। अभी इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि जो भी कारण है उसको दूर करना, जैसा टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लिबिडो कम है, जो भी अभी कारण बताया उसको दूर करना पड़ेगा। और दूसरा है कि यदि एक बेस में हरदम बताते रहता हूँ कि आप यदि आपका सेक्स का टाइम ठहरा लेते हैं, वो पहले ही कि भाई पहले ही बताते थे अपने पार्टनर को कि भाई हम कल शाम को करेंगे या कल रात को हम सेक्स करेंगे, पहले से बताते ये आज रात को सेक्स करने वाले हैं, तो क्या होता है कि फिर वो हिसाब से सब अरेंजमेंट्स हो जाएंगे कि बच्चों को सुलाना है क्या जल्दी, या अलग कमरे में जाना है क्या, या फिर उस दिन तनाव नहीं लेंगे, उस दिन स्ट्रेस कम लेंगे, या खाना कम खाएंगे, मतलब तैयारी करके रहेंगे, और उसको ये मालूम है कि हाँ सेक्स करना है। तो क्या होता है कि आदमी जाता है बेड के ऊपर, 11, 11:30, 12 सब देखना हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप देखना हो गया, फिर वो बेड पर जाएगा, औरत सोए रहेंगी और उसको उठाएंगा, बोला सेक्स करना, बोलते मेरे को सेक्स नहीं करना है, मेरे को बहुत नींद आ रही है, फिर चिड़चिड़ापन दोनों का होता है। तो पहले से यदि प्लानिंग है तो ऐसी नौबत नहीं आएंगी और सेक्स बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। तो सेक्सलेस मैरिज में भी उसका इलाज हो सकता है यदि सेक्सलेस मैरिज है तो, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अपना अपना लाइफ और सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल, मतलब वायग्रा, टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली
यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।